हॉस्पिटल निकल रहा हूँ, तब दिखा के आते हैं, कुछ प्रॉब्लम ना हो भगवान करे बस। कितना गलत काट रहे हो यार, एक तो रॉन्ग साइड ले जा रहे हो, गाड़ी ठोक दी, डेंट आया। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू एंड ब्लॉग। तो गाइस, आज रेडी हो गया मैं सुबह सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद बागेश्वर जाने के लिए, क्योंकि बीते कुछ दिनों से मेरे घुटने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा दर्द हो रहा था, तो उठने बैठने चलने फिरने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी, इसलिए आज हमारा बागेश्वर जाना हो रहा था निर्मलदा के साथ में। तो हमने कहा चलो दिखा लाते हैं। तो निर्मलदा भी जा रहे हैं, भाभी भी जा रही है, मैं, नीतेश सब लोग जा रहे हैं, और भी कुछ काम है इसलिए भी जा रहे हैं। तो फिलहाल टाइम हो चुका है 9:30, बस निकलता हूँ अभी घर से। मम्मी है, ओ मम्मी है, मिलेगी हाँ भाई, आज उन दिन में ठीक ठीक हो, ठीक हो भाभी, गुड मॉर्निंग, लग गए मंदिरा पूरी भाई, निकल आई है भाभी, प्रमोशन करने में लगे हैं। अब तो मन कर ली देखा ले, हाय कर दियो हो बे। तो फिलहाल ओए बागेश्वर के लिए निकले, भाभी प्रमोशन कर रहे थे, बॉम्बे इनके भाभी हैं, उनको बता रखा था, पर तो उनकी बात बता रहे थे। फिलहाल मंदिर से होके चल रहा हूँ फटाफट से, और आज ब्लॉग भी ऐसी टाइम पे स्टार्ट किया, हॉस्पिटल निकल रहा हूँ तब जाके ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। चलो दिखा के आते हैं, कुछ प्रॉब्लम ना हो भगवान करे बस। सकुरा की नस चढ़ी है, दूसरी दिक्कत भी हो सकती है, क्या पता। निर्मलदा की भी कॉल आ गई, हेलो, हरुमाड़ में पहुंच गया। ओ भाई साहब, आज तो मार सदरी अदरी डाल के आए हो, गुड मॉर्निंग। चलो एक तरफ से घुटना चस्स कर रहा, दूसरी तरफ से दौड़ लगा रखी थी, हालत खराब। बॉयज इधर है, आओ रे पाओ। ओ भाई, गाड़ी ठोक दी यार हमारी जिसने। कितना गलत काट रहे हो यार, एक तो रॉन्ग साइड ले जा रहे हो, गाड़ी ठोक दी, डेंट आया, देख रहे हो, इतना रॉन्ग साइड डाल रहे हैं, छोड़े ना तो बच गया। पता नहीं, एक तो उल्टा साइड से वो कर रहा है अलबलाट में, बड़े टायर के से हमारा बच गया, हमारे में डेंट नहीं आया, उसके उसमें आ गया, एक तो रॉन्ग साइड से भी डाल रहा है। हेलो, विक्की मिल गया, नितेश लोग इधर पहुंचे हैं, या अब ये जाम में फंसेंगे। कहाँ जा रहे हो तुम? अरे हाँ, प्रोग्राम हमारा। विनय भाई और नितेश। हेलो नितेश भाई, चल गाड़ी लगा के आते हैं, प्रोग्राम तगड़ा ही लग रहा है आज इधर। प्रोग्राम बात है, जा रहे हैं पीडब्ल्यूडी ऑफिस कार्यालय ऊपर। चल बुलेट में शिफ्ट होते हैं। ये है हमारे फेमस लोक गायक पूरन राठौर जी, जिन्होंने वो गाना गा रखा हो द दिगोलल वाला। लाइव तो देखते हैं हमारे विक्की भाई। स्वागत है
A few moments later. लेट होने की वजह से बिना ट्रीटमेंट के घर जाना पड़ेगा वापस हॉस्पिटल से. जैसे आए थे वैसे वापस. अभी बागेश्वर से घर पहुंच चुका हूं डायरेक्ट. घर पहुंच के कंटिन्यू कर रहा हूं. बागेश्वर नॉर्मली दो कामों के वजह से गए थे. एक तो कुछ मीटिंग वगैरह थी निर्मला की, तो उनके साथ गए हुए थे. साथ ही में हमने सोचा था कि वापसी के टाइम पे हम लोग हॉस्पिटल में दिखा लेंगे. बट हॉस्पिटल गए तो वहाँ पता चला 1:30 बजे पर्ची कटना बंद हो जाती है. तो हमने मॉर्निंग में भी पर्ची नहीं कटाई थी. हमारी जो है पर्ची काटने में लेट हो गई थी, इसलिए मेरा दिमाग भी ख़राब हो गया था. मैंने पहले घर से सोच किया था, मैंने कहा आज दिखा के आऊँगा मैं अपने पैर को. तो पैर में दिक्कत काफ़ी हो रही है बीते दिनों से, तो इसलिए मैंने सोचा था कि चलो दिखा लाते हैं पैर भी. तो वही सोचा था मैंने. जब वहाँ गए तो पता चला कि पर्ची कटना बंद हो चुकी है, 1:30 बजे बंद हो जाती है. तो फिर बड़ा मूड ऑफ हो गया था. उसके बाद फिर हम लोग घर की ओर वापस आ गए थे. और इसलिए मैंने रास्ते में वीडियो भी नहीं बनाई. रुकने को तो हम लोग मनकोट में रुके थे. उसके बाद हमने वहाँ पे खाना भी खाया था, भट्टी भात वगैरह. उसके बाद फिर हम लोग घर आए तो 3 बजे के समथिंग में घर पहुँचा था. और अभी इवनिंग हो चुकी है तो उसी चक्कर में मैंने वीडियो भी नहीं बनाई थी. बट अब कंटिन्यू कर रहा हूँ. तो अब चलते हैं बाहर की ओर. बाहर का व्यू देखते हैं मस्त. आज काफ़ी बढ़िया शाम हो रखी है. काफ़ी टाइम बाद बारिश रुकी हुई है आज. तो कल तक कंटिन्यू बारिश होती है शाम के टाइम, बट आज मौसम कुछ ऐसा बना हुआ है. और मस्त धनपुतली भी आ रही है आज. तो आज हम चलते हैं धनपुतली के पीछे. ये इसके पीछे गेहूं की फसल के बाद जब गेहूं धान लगाने का टाइम आता है उस टाइम पे धनपुतली निकलती है. तो चलते हैं इनके प्लेस पे जहाँ से निकलते हैं, जहाँ पे धूप होता है, धूप की साइड से निकलते हैं, धूप वाली ज़मीन से. तो अधिकतर वैसे वहाँ से निकलते हैं, भैंस के पीछे ज़मीन जो. चलो वहाँ जाके दिखाते हैं. देखते हैं हम पहले वहाँ पे निकल रहे कि नहीं निकल रहे. इधर तो बहुत ही कम दिख रहे हैं वैसे. सनसेट हो गया है. अभी का मौसम कुछ मस्त है, ऐसा लग रहा है कलरफुल एकदम. और हमें धनपुतली दिखेंगी कि नहीं दिखेंगी आज, किधर जाऊँ. चलो इधर ही चलते हैं इधर से. सुन जाओ भगवान तुमरे बिन हमरा कौन नहीं. ये चींटी के जब पंख आते हैं तो धनपुतली बन जाती बोलते हैं. ये फंस गई बेचारी उसमें, दिखाई तो मेरी गई. ये देखो अब आपको एग्जैक्टली दिखाते हैं. ये हैं चींटियाँ, इनके बच्चे यानी कि इनके हल्के हल्के पंख निकलेंगे तो आप पूरे तरीके से उड़ेंगे. फिर ये यहाँ पे बहुत सारी और रखी हैं. ये इन्होंने बच्चे दे रखे हैं ना इधर. ये ज़मीन से निकल रहे बाहर को. आओ आओ आओ. ऐसा माना जाता है कि जब ऐसे धनपुतली निकलती है तो उनकी लाइफ बचती नहीं है वैसे. एंड मरते टाइम पर इनके पंख निकलते हैं. चीटियाँ होती हैं ऐसे बड़ी वाली. तो कुछ ऐसी कहानी इनके पीछे. और जैसे कि मैंने दूसरी कहानी बताई, जिस टाइम पे धान बोने का समय आता है उस टाइम पे निकलते हैं. अभी तो फिर भी कम ही निकल रहे हैं. जब इनके बच्चे बड़े होंगे, इनके पंख आ जाएंगे जब, तब दिखेंगे बहुत ज़्यादा. ये अब अंदर नहीं जा पाएंगे ना. ऐसे इनके पंख टूट जाते तो फिर ऐसे ही रह जाते हैं बेचारे, वैसे ही मर जाते हैं. बाल्टी ने मम्मी का काम और बढ़ा दिया. कहाँ पे गई मम्मी? तल्ले पे. मम्मी रास्ते से नीचे गिर गई बाल्टी. ऐला पे नचूने बड़ नचूड़ना इसके इसके लोने आ है हिट. चलो कोई बात नहीं. ओ भाई कितना मस्त चांद निकला है. देखो चंदा मामा कितने मस्त तरीके से निकले हैं, रेड वाले एकदम, रेड मून. पर फोन में उतना क्लियर नहीं आ रहा ना. बहुत प्यारे लग रहे हैं, बड़े बड़े से दिख रहे हैं आंखों के सामने.